दोस्तों यूक्रेन युद्ध की वजह से अब नाटो के देशों ने पूरी तरीके से रूस को घेर लिया है और अब रूस का एक और पड़ोसी देश फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है। अब आपका दिमाग तो इस बात से घूम जाएगा कि नाटो में शामिल होने की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और अब फिनलैंड के नाटो में शामिल होते ही रूस ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान करते हुए पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि रूस ने सबसे पहले तो अपने पड़ोसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बेलारूस को परमाणु हथियारों की सप्लाई की है और अब यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली परमाणु मिसाइल इस्कंदर को बेलारूस को दिया है, क्योंकि रशिया की यही मिसाइल एक रॉकेट फोर्स का काम करती है और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह अनाउंसमेंट करके बता दिया है कि बेलारूस को इस्कंदर एम यानी कि ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मिल चुका है और ये मिसाइल न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल दोनों ही तरह के वॉरहेड्स को एम्प्लॉय कर सकती है और रूस की इसी मिसाइल ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और इस कदम के साथ ही रूस ने फिनलैंड को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि रूस की इस्कंदर मिसाइल भारत की पिरला मिसाइल के जैसी ही है जिसे भारत चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर रहा है।